सिक्स सस्पेक्ट का फर्स्ट लुक हो गया है आउट। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग बूगल बॉलीवुड। एक क्राइम मूवी जल्द ही आपके सामने आने वाली है जो कि है सिक्स सस्पेक्ट्स। अगर हम सिक्स सस्पेक्ट्स की बात करें तो ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है और काफी खतरनाक तरीके से इसको शूट भी किया जाएगा क्योंकि काफी रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसके स्टार कास्ट की बात करें तो ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी आपको इसमें नजर आने वाले हैं और दोनों ने ही इस बात की कंफर्मेशन अपने सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले अपने फैंस को दे दी थी। उसी के साथ मेकर्स ने भी बताया था कि वो दोनों के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि दोनों ही अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं और एक सेंसेशन भी बने हुए हैं आजकल। अगर हम प्रतीक गांधी की बात करें तो हंसल मेहता की मूवी यानी स्कैम 1992 से वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और काफी ज्यादा हाइप्स भी उनके करियर को मिल गई। वहीं अगर हम एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की बात करें तो ऋचा चड्ढा फुकरे रिटर्न्स, फुकरे जैसी मूवी से काफी ज्यादा फेम पा चुकी हैं और ऋचा चड्ढा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी काफी ज्यादा जानी जाती हैं। अब ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं और इनका फर्स्ट लुक भी आज हो गया है आउट। अगर हम इनके लुक की बात करें तो दोनों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में आपको नजर आने वाले हैं। उसी के साथ काफी फॉर्मल लुक में ये दोनों नजर आ रहे हैं और उसी के साथ अगर हम ऋचा चड्ढा की बात करें तो उन्होंने कैप्शन भी दिया है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है और एक मर्डर मिस्ट्री जो कि काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स अपने पास रखती है और उसके बाद इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऋचा चड्ढा ने बताया है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उनके पास बहुत ही कम टाइम है, तो क्या वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है क्योंकि दो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग यानी प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा दोनों ही इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल निभाएंगे तो जरूर ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को कितनी एक्साइटमेंट इन दोनों को ऑन स्क्रीन साथ देखने के लिए हमें जरूर बताइएगा और बॉलीवुड की हर एक टॉप अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।